आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ बेस्ट स्मार्टफोन जो कि 10,000 के आसपास देखने को मिलते हैं। जैसे कि इसमें कुछ स्मार्टफोन आपको 10,000 के नीचे भी देखने को मिलेंगे, कुछ ऊपर भी देखने को मिलेंगे। इसमें मैंने एक स्मार्टफोन पिक किया सैमसंग गैलेक्सी M34 जिसकी प्राइस अप्रॉक्स देखने को मिलती है 12,500 रुपीज़। अगर आप इस पर कुछ डिस्काउंट लगवाते हो तब हो सकता है कि क्लोजर टू 10,000 हो जाए, अदरवाइज इसकी प्राइस आपको 2,500 एक्स्ट्रा देखने को मिलता है। अगर आप उस चीज़ को एडजस्ट कर लेते हो तो आपको बेस्ट स्मार्टफोन देखने को मिलेगा इस बजट का। लिस्टिंग बनाते समय मैंने कुछ मिनिमम क्राइटेरिया रखा था, जैसे कि इसमें सभी के सभी 5G डिवाइस होने चाहिए, LPDDR4X रैमर, UFS 2.2 स्टोरेज टाइप इसमें मिनिमम होना चाहिए, 3.5mm जैक होना चाहिए और ये सभी चीज़ें आपको सभी डिवाइसेस में देखने को मिलता है। सबसे पहले स्मार्टफोन के साथ स्टार्ट करते हैं तो Motorola G34 में Qualcomm Snapdragon 695 देखने को मिलता है जो कि एक 5G प्रोसेसर है। ये काफ़ी ज़्यादा पुराना प्रोसेसर हो चुका है लेकिन स्टिल रेलिवेंट है इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से, इसलिए मैंने इसको पिक किया। इसका CPU पार्ट काफ़ी ज़्यादा परफॉर्म करता है सिमिलर लाइक जो आपको इसमें लिस्टिंग में देखने को मिलेंगे जितने भी प्रोसेसर, लेकिन इसका GPU पार्ट सबसे बेस्ट परफॉर्म करता है आफ्टर Exynos 1280 जो कि M34 में देखने को मिल रहा है। Motorola इस लिस्ट में सबसे नीचे इसलिए देखने को मिल रहा है क्योंकि इसमें HD+ का डिस्प्ले देखने को मिलता है जो कि 2024 के हिसाब से रेलेवेंट नहीं है, क्योंकि बाकी कंपटीशन में आपको देखने को मिलेगा Full HD+ का डिस्प्ले, लेकिन इसमें सिर्फ HD+ का डिस्प्ले दिया गया जिसकी वजह से आपका एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा खराब हो जाता है। इनफैक्ट इसमें आपको 120Hz का रिफ्रेश रेट देखने को मिलता है। इसमें आपको 50MP का रियर में सेंसर देखने को मिलता है यानी कि बैक कैमरा में, और 8MP की सेल्फी देखने को मिलती है। और मेरे को लगता नहीं है कि कोई कैमरा के लिए इस प्राइस रेंज में स्मार्टफोन खरीदता है, लेकिन अगर आप फोटोज़ वगैरह लेते हो तो काफ़ी ज़्यादा बेसिक परफॉर्म करते हैं इस प्राइस रेंज के स्मार्टफोन, तो मैंने कोई इतना ज़्यादा इस पर फोकस नहीं किया है। इसमें आपको 5000mAh की बैटरी देखने को मिलती है 15W की वायर चार्जिंग के साथ, और ये स्मार्टफोन आपको कॉस्ट करता है 11,000 rupees फॉर द वेरिएंट ऑफ 4128। और मेरे हिसाब से इस स्मार्टफोन को आपको स्किप करना चाहिए, बाकी स्मार्टफोन इससे थोड़े से बेटर ही है। नाउ Redmi 13C 5G या फिर Poco M6 Pro 5G दोनों ही स्मार्टफोन सिमिलर हैं, जस्ट इसमें प्राइसिंग का डिफरेंस देखने को मिलता है वो भी 1000 का, यानी कि आपको 9500 पे देखने को मिल जाता है Poco M6 Pro 5G, वहीं 13C 5G आपको देखने को मिलता है 10500 में। इसमें आपको देखने को मिलता है Dimensity 6100 प्लस प्रोसेसर जो कि काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है 6300 के, लेकिन 6300 इससे थोड़ा सा बेटर प्रोसेसर ही है। वहीं Poco M6 Pro में आपको Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2 देखने को मिल जाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा सिमिलर परफॉर्म करता है Dimensity 6100 प्लस या फिर 6300 के, इसलिए मैंने ज़्यादा डिफरेंस यहाँ पे क्रिएट नहीं किया Redmi 13C और Poco M6 Pro में। इसके अलावा इसमें Full HD+ IPS LCD डिस्प्ले देखने को मिलता है जो कि 120Hz के रिफ्रेश रेट के साथ आता है। इसमें आपको 5000mAh की बैटरी देखने को मिलती है, 18W को चार्जिंग को भी सपोर्ट करता है, लेकिन बॉक्स में आपको 10W का ही चार्जर देखने को मिलेगा। ना इसमें 12 5G बैंड्स भी देखने को मिल जाते हैं। कैमरा के मामले में 50MP का मेन सेंसर देखने को मिल जाता है, 8MP की सेल्फी देखने को मिल जाती है, और इसमें कोई भी आप 4K वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर सकते। सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस इतना ज़्यादा अच्छा नहीं होता इस प्राइस रेंज में, और खासकर Redmi और Poco जैसे स्मार्टफोन में, क्योंकि इसमें आपको थोड़े से ब्लॉटवेयर्स एड्स वगैरह की प्रॉब्लम देखने को मिल जाती है, और इसमें अपडेट्स के मामले में भी कोई अच्छा खासा रिकॉर्ड है नहीं Redmi और Poco का। नेक्स्ट बात कर लेते हैं Realme Narzo N65 के बारे में, तो ये भी एक 5G डिवाइस है। इसमें आपको Dimensity 6300 देखने को मिल जाता है, इसमें भी आपको Full HD+ IPS LCD डिस्प्ले देखने को मिल जाता है, लेकिन इसमें आपको रिफ्रेश रेट 120Hz का देखने को मिल जाता है। इसमें आपको 5000mAh की बैटरी विद 18W चार्जिंग देखने को मिल जाता है, तो ये मोर और लेस काफी ज्यादा सिमिलर है Redmi 13C जैसा, लेकिन इसमें जो OS अपडेट देखने को मिल जाता है वो थोड़ा सा बेटर होता है यहाँ पे Poco या फिर Redmi के कंपैरिजन में, इस वजह से इसको मैंने थोड़ा सा ऊपर रखा है। इसके अलावा इसमें आपको 9 5G के बैंड्स देखने को मिल जाते हैं। नौवा बात कर लेते हैं टॉप 2 स्मार्टफोन्स के बारे में, तो इनके लिए आपको 2000 rupees अभी के प्राइसिंग के हिसाब से एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, लेकिन सेल अभी नजदीक में ही आ रही है, 20 जुलाई के आसपास देखने को मिलेगा, तो अगर उस टाइम पे आप खरीदते हो तो हो सकता है कि आपको कम प्राइस में देखने को मिले, और इस प्राइस रेंज में आपको काफ़ी मार्जिनली ही डिफरेंस देखने को मिलता है, यानी कि कोई बड़ा डिफरेंस नहीं होता। अभी तक मैंने जितना भी बात किया होगा आपको लग नहीं रहा होगा कि कोई बहुत बड़ा डिफरेंस है, मार्जिनली डिफरेंस देखने को मिल रहा है, उसी में लिस्टिंग में थोड़े से बेटर स्मार्टफोन बन जाते हैं हल्का सा डिफरेंस क्रिएट करके। सिमिलर इसमें भी देखने को मिल रहा है, इसमें भी आपको Dimensity 6100 प्लस देखने को मिलता है जो कि बाकियों में भी देखने को मिल रहा है, तो कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, लेकिन डिफरेंस ये क्रिएट करता है अपनी डिस्प्ले से, क्योंकि इसमें आपको Full HD+ IPS LCD 120Hz की पैनल देखने को मिल जाता है जिसकी ब्राइटनेस भी आपको टिपिकली 800 nits देखने को मिलता है, और इसके बेजल्स भी आपको कम देखने को मिल जाते हैं, तो ये एक्सपीरियंस आपको थोड़ा सा बेटर बनाता है, इसलिए मैंने इसको इंक्लूड किया है टॉप 2 के अंदर। इसके अलावा इसमें आपको 5000mAh की बैटरी विद 45W की चार्जिंग के साथ देखने को मिलता है, जिसकी वजह से फास्ट चार्जिंग भी देखने को मिल रहा है जो कि इस प्राइस रेंज में मैटर करता है लोगों के लिए। और इसमें भी आपको 9 5G बैंड्स देखने को मिलते हैं, और Narzo सीरीज में आपको 2 years के एंड्रॉइड अपडेट्स देखने को मिलते हैं, और 3 years के सिक्योरिटी अपडेट्स देखने को मिलते हैं, और UI के मामले में थोड़ा सा बेटर परफॉर्म करते हैं Redmi वगैरह के कंपैरिजन।
में। नौ वह बात कर लेते हैं इस लिस्ट के बेस्ट स्मार्टफोन के बारे में, दैट इज सैमसंग गैलेक्सी M34 5G। इसके लिए आपको 2500 रुपीज एक्स्ट्रा देना होगा, लेकिन अगर आप सेल में खरीदते हो तो हो सकता है कि इससे भी बेटर प्राइसिंग में देखने को मिले, तो उस टाइम पर ये और भी ज़्यादा वर्थ इट हो जाता है। इनफैक्ट काफ़ी लोग पूछेंगे कि M35 भी तो लॉन्च होने वाला है, तो M35 की प्राइसिंग अगर काफ़ी ज़्यादा क्लोजर है M34 से, तो उस टाइम पर आप M35 खरीद लेना। अगर M35 की प्राइसिंग इससे काफ़ी ज़्यादा ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि सैमसंग हो सकता है कि काफ़ी ज़्यादा रखे, क्योंकि जो अभी स्मार्टफोन्स आ रहे हैं वो थोड़े से हायर साइड पे होते हैं सैमसंग के, तो उस टाइम पे M34 काफ़ी ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन है। सो इस स्मार्टफोन में आपको एक्सिनोस 1280 देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा सिमिलर परफॉर्म करता है अदर प्रोसेसर जैसा ही, जो भी लिस्ट में मैंने बताया। इसमें GPU आपको थोड़ा सा बेटर देखने को मिल जाता है, इस वजह से हो सकता है कि गेमिंग एक्सपीरियंस थोड़ा सा बेटर हो। इसमें आपको 120Hz का फुल HD प्लस सुपर AMOLED डिस्प्ले भी देखने को मिल जाता है, यानी कि दोनों ही डिपार्टमेंट काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसमें आपको बैटरी में भी 6000mAh की बैटरी में 25W की चार्जिंग देखने को मिल जाती है, यानी कि ये भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रहा है, लेकिन आपको बॉक्स में कोई भी एडाप्टर देखने को नहीं मिलता है। सॉफ्टवेयर के मामले में भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग देखने को मिलता है, क्योंकि इसमें आपको 5 ईयर्स के सिक्योरिटी अपडेट, 4 ईयर्स के एंड्रॉइड अपडेट देखने को मिलेंगे। 2023 में आया था, यानी कि अभी भी आप 2 से 3 साल चला सकते हो। इसलिए मैं कह रहा था कि अगर आप M34 भी लेते हो M35 के अलावा, क्योंकि हो सकता है कि M35 की प्राइसिंग काफ़ी ज़्यादा हायर साइड पे हो, तो उस टाइम पे आपके लिए M34 भी काफ़ी सही स्मार्टफोन है। और कैमरा के मामले में भी ये स्मार्टफोन पीछे नहीं है, क्योंकि इसमें आपको 50+8+2 का सेटअप देखने को मिल जाता है, और 50 MP में आपको OIS का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, जिसकी वजह से फोटोज़ और वीडियोस थोड़ी सी बेटर देखने को मिल जाती है। 4K तक की वीडियो को भी रिकॉर्ड कर सकता है, फ्रंट से भी आपको 16 MP की सेल्फी देखने को मिल जाती है, वहाँ से आप 1080p तक का ही रिकॉर्ड कर सकते हो। यानी कि सभी डिपार्टमेंट इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि अगर आप बाकी स्मार्टफोन को छोड़ के इसको लेते हो तो आपको कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलता है। सो यही कुछ से स्मार्टफोन जो कि 10,000 के आसपास देखने को मिल जाते हैं और काफ़ी बेस्ट भी परफॉर्म करते हैं। अगर आपकी लिस्ट में कोई और भी स्मार्टफोन है तो आप एज ए सजेशन कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। लास्ट यही कहना चाहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।